नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। सचिन पायलट डिप्यूटी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए। डोटासरा बने नए प्रदेश अध्यक्ष। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, 6 महीने से बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे पायलट। सचिन पायलट का ट्वीट, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। कांग्रेस ने कहा, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और हरदीप पुरी में ट्विटर पर जंग। प्रियंका ने लिखा, सरकारी घर में कुछ दिन और रहने का मैंने कभी नहीं किया अनुरोध, वक्त रहते खाली कर दूंगी मकान। पुरी ने कहा था, कांग्रेस के एक नेता का आया था फोन। दिल्ली पुलिस को बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत। दिल्ली हिंसा मामले में अदालत से कहा, आगे सबूत मिला तो जांच करेंगे। और बिहार में एक बार फिर से 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य में रोजाना 1000 से अधिक मामले मिलने पर नीतीश सरकार का फैसला। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके दो करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी, जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। हमारे एक आदिवासी साथी, जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी किसान परिवार से आते हैं। हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में बागी सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार मीडिया के सामने आए। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी, जिन पर एक्शन लिया गया, वो लगातार आ बैल मुझे मार के रवैये के साथ काम कर रहे थे। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से पैसे और एजेंसियों के दम पर सरकारों को कमजोर किया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में किया गया, अब राजस्थान में किया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम बीजेपी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से काफी मौका दिया गया, आज की बैठक उनके लिए रखी गई लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नेता आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट से लेकर बगावत तक की सारी व्यवस्था बीजेपी की ओर से की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता ने हमारा साथ दिया लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार नहीं कर पाई है। जिन पर एक्शन लिया गया उस पर हमें खुशी नहीं है, मैंने उनकी कोई शिकायत नहीं की लेकिन उनका रवैया ऐसा ही रहा पिछली काफी वक्त से, आ बैल मुझे मार कर रवैया रहा है। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए, आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता है वो ईश्वर उनको सदबुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। पायलट साहब उनके हाथ में कुछ नहीं, वहाँ पर वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है
वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे तीन साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी, हाईकमांड को हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है तीन महीने से छः महीने से, आप देखते आ बैल मुरे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना, रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस की कार्रवाई के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। वहीं शाम 7:18 पर सचिन पायलट ने एक और ट्वीट किया। सचिन पायलट ने ट्वीट कर समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है। सचिन पायलट के ट्वीट पर कांग्रेस महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने उसी अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर सचिन का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, सत्य वचन, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए, ना आगे कर पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने सचिन पायलट की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी, सचिन और ज्योतिरादित्य दोनों सहयोगी और अच्छे दोस्त थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पार्टी ने दो बड़े युवा नेताओं को खो दिया, उनमें काफी संभावनाएं थी। मैं नहीं मानती कि बड़ी महत्वाकांक्षा होना गलत है, मुश्किल वक्त में दोनों ने कड़ी मेहनत की थी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कभी सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले विधायक चेतन डूडी ने साफ किया है कि गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है। चेतन डूडी के मुताबिक गहलोत के पास बहुमत है, साथ ही उन्होंने एकजुट होने की भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट उनके अच्छे मित्र हैं, लेकिन पार्टी पहले है, मित्रता बाद में। पायलट साहब से फोन पे बात नहीं हुई, जब यहाँ पे थे जयपुर, जब भी थे उस दौरान मेरी बात हुई थी। तो काम के सिलसिले में जो बात होती है, एक कांग्रेस वर्कर के तौर पर, एक वो एक कांग्रेस के लीडर हैं, उसके तौर पर मेरी बातचीत हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। सीएम गहलोत और फेयरमाउंट होटल में मौजूद सभी विधायकों ने उन्हें बधाई दी है। डोटासरा ने विधायकों को भरोसा देते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। उनके नाम का ऐलान कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया, जिस पर डोटासरा के समर्थकों और परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के जमीनी नेता हैं और गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। डोटासरा को गहलोत का करीबी भी माना जाता है। लग रहा है जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। आपके यहाँ कैसा माहौल है उनको पीसीसी सचिव अध्यक्ष बनाने के बाद में? बहुत खुशी का माहौल है। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त रमेश मीणा का छलका दर्द। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो पार्टी ने बर्खास्त किया। रमेश मीणा ने कहा कि वो जनता से थे, जनता से हैं और जनता से ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। राशन वितरण में राजस्थान को देश में पहला स्थान मिला और पार्टी में रहकर ही उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके बारे में मैंने बात की है, तो उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। आश्वासन दिल्ली से मिला है आपको या यहाँ से मिला है बात? और दोनों जगह से मिला है। उधर बीटीपी के विधायक राजकुमार रौत ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजकुमार रौत का कहना है कि उन्हें अपने क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस ने उन्हें बंधक बनाया है और उनकी कार की चाबी भी ले ली है। आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। क्या है? अरे यार आप लोग समझते नहीं हो क्या? क्या हम समझे हुए हैं, कोई खतरा बताए इसलिए तो खतरा बताए तो
कुछ अर्सा पहले कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पुरानी पार्टी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में काबिल लोगों की कीमत नहीं है। मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहा, कांग्रेस में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, काबिलियत लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और यही एक एक राज्य में देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट साहब की मुलाकात हुई थी सर, क्या बात है? मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर पे कह दिया और आपको कह दिया। तो राजस्थान का सियासी घमासान अभी भी चल रहा है। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिलहाल सचिन पायलट को मुख्य उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उन्होंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया कि उन्हें दिल्ली में मिले सरकारी घर में कुछ दिन और रहने दिया जाए। प्रियंका ने कहा कि इस बारे में मीडिया में आई खबरें फेक न्यूज़ हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि वो अपना सरकारी बंगला 1 अगस्त तक खाली कर देंगी। प्रियंका गांधी ने ये बातें ऐसी एक खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखी है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी का अनुरोध मानते हुए उन्हें सरकारी बंगले में कुछ और दिन रहने की अनुमति दे दी है। प्रियंका गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ये फर्जी खबर है, मैंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया, मुझे घर खाली करने की चिट्ठी 1 जुलाई को मिली थी और 35 लोधी रोड के सरकारी घर को मैं 1 अगस्त तक खाली कर दूंगी। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई को प्रियंका गांधी को नोटिस दिया था, जिसमें उन्होंने सरकारी घर 1 अगस्त तक खाली करने को कहा गया है। उधर प्रियंका के बंगला विवाद में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया है। हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझे 4 जुलाई को दोपहर 12:05 पर फोन किया था और लोधी स्टेट के बंगला नंबर 35 को किसी दूसरे कांग्रेस नेता को देने की बात कही थी, जिससे प्रियंका गांधी उसी बंगले में रह सके। हरदीप पुरी के इस ट्वीट का प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर पुरी, अगर आपको किसी ने फोन किया था तो मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतनी फिक्र की, इस पर विचार करने के लिए आपको भी शुक्रिया, लेकिन इससे ये हकीकत बदल नहीं जाती कि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था और ना ही अब कर रही हूं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सरकारी चिट्ठी में दिए निर्देश के मुताबिक मैं 1 अगस्त तक मकान खाली कर दूंगी। वहीं प्रियंका गांधी के बंगले वाले मामले में रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रियंका जी जनता के हित की लड़ाई लड़ती हैं और उन्हें अपने आप लोगों के किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बेवजह की शेखी बघाड़ न बंद कीजिए, ये मसला अब समाप्त हो चुका है और ये बात सबके सामने आ जाए इसलिए पूछ रहा हूँ।
कि 35 लोधी स्टेट का बंगला आपने किसी कांग्रेस सांसद को आवंटित किया है या बीजेपी प्रवक्ता को, इसलिए प्लीज अपने झूठ को सनसनीखेज बनाने की कोशिश अब बंद कीजिए। हम आपको यहां पर बता दें कि सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में हरदीप पुरी से 35 लोधी स्टेट के बंगले के अलॉटमेंट से जुड़ा सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि करीब एक हफ्ते पहले ऐसी खबरें छप चुकी हैं कि ये बंगला बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। संसदीय सचिवों के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल विभागों का बंटवारा कर दिया है। सभी 15 संसदीय सचिवों को अलग अलग विभागों में दायित्व सौंपा गया है जो अब मंत्रियों के विभागों के कामकाज में सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के साथ संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे को अटैच किया गया है तो ताम्रध्वज साहू को सहयोग करने दो मंत्रियों को दायित्व सौंपा गया है। विकास उपाध्याय और चिंतामणि महाराज दोनों ताम्रध्वज साहू का सहयोग करेंगे। विभागों के बंटवारे के साथ ही संसदीय सचिवों को सीएम निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप सब बहुत अनुभवी मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे, किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा में जवाब दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आपको एक प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में पहुंच जाती थी, अब खुद भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है। देश प्रदेश की जनता के ने जान लिया है कि इनका विरोध विशुद्ध राजनीतिक कारणों से था और आज उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने निर्णय पुरानी सरकार के थे वो सबका क्रियान्वयन ये सरकार लगातार कर रही है। देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी पीटीआई लगातार सरकार के निशाने पर है। मोदी सरकार ने अब उस पर 84 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की संस्था प्रसार भारती ने पीटीआई के चीन कवरेज पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उसने पीटीआई का सब्सक्रिप्शन रद्द करने की धमकी भी दी थी जिसके तहत समाचार एजेंसी को सरकार से हर साल 7 करोड़ रुपये मिलते रहे हैं और अब 84 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाकर मोदी सरकार ने पीटीआई की मुसीबत और बढ़ा दी है। पीटीआई को जुर्माने का नोटिस केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 7 जुलाई को भेजा है। इस नोटिस में पीटीआई को जुर्माने का भुगतान करने के लिए एक महीने यानी कि 7 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा गया तो उस पर 10% ब्याज भी देना होगा। दरअसल पीटीआई से सरकार की नाराजगी की असल वजह चीन मामले में उसका कवरेज है, खासतौर पर चीन में भारत के राजदूत का वो इंटरव्यू जिसमें राजदूत ने कहा था कि चीन को LAC पर भारतीय इलाके से हट जाना चाहिए। भारतीय राजदूत का ये बयान पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ था कि भारतीय इलाके में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। आपको बता दें कि 1949 में शुरू हुई पीटीआई ट्रस्ट को एक बोर्ड चलाता है जिसमें पत्रकार और स्वतंत्र सदस्य रहते हैं। वही मीडिया में ऐसी खबरें भी आई हैं कि सरकार पीटीआई के बोर्ड से उसी वक्त से नाराज चल रही है जब उसने एडिटर इन चीफ के सिलेक्शन में किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया था। शहरी विकास मंत्रालय के पीटीआई को भेजे 84 करोड़ रुपए के नोटिस में यह भी कहा गया है कि लीज डीड को लेकर रकम का पूरा भुगतान करना होगा और ऑफिस परिसर का इस्तेमाल मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि अगर पीटीआई ने शर्तों का पालन नहीं किया तो रियायत वापस ले ली जाएगी। आपको याद दिला दें कि पीटीआई ने भारत में चीनी राजदूत सुन वेईदोन का भी इंटरव्यू किया था जिसमें सुन वेईदोन ने लद्दाख में LAC पर संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। पीटीआई ने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री का भी इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में विक्रम मिस्त्री ने चीनी सेना की लद्दाख में घुसपैठ नहीं करने के प्रधानमंत्री मोदी के दावे के उलट बात कही थी। पीटीआई ने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री के हवाले से कहा था कि चीनी सेनाओं को लद्दाख में LAC के अपनी तरफ वापस जाने की जरूरत है, जबकि सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन में भारतीय राजदूत के बयान वाले पीटीआई के ट्वीट के बाद में
बाद में पीटीआई ने डिलीट कर दिया था। मिस्त्री के हवाले से पीटीआई ने कहा था कि एलएसी पर सैन्य तनाव का केवल एक ही समाधान है और वो ये कि चीन नई संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाने रोक दे। पीटीआई के इन इंटरव्यूज के बाद प्रसार भारती को ने देशद्रोही कहते हुए पीटीआई के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनलॉक टू के बाद होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। हालांकि व्यवसायिक गतिविधियां अभी भी ठप पड़ी हैं। होटलों में स्टाफ की कटौती की जा चुकी है, बिजनेस भी घट चुका है। कारोबारियों के मुताबिक 10 से 15 फीसदी तक ही व्यवसाय हो पा रहा है। कारोबारियों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शाम को बैरियर पे पुलिस खड़ी हो जाती है तो 6 बजे के बाद वन विहार बंद हो जाता है, तो सीएम हाउस से वो लोग आने नहीं देते पुलिस वाले किसी को। 15-20 के अंदर 10-15% बस ज्यादा नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश वर्मा और अभय वर्मा के खिलाफ उसे अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे दिल्ली हिंसा के मामले में इनके खिलाफ कोई केस बनता हो। दिल्ली पुलिस ने यह बात हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी नेताओं के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, अगर आगे कोई सबूत मिला तो जांच की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि नेताओं के भड़काऊ बयान और भाषण मीडिया दिखा चुका है, फिर भी पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र बरवाला के बेटे प्रशांत बरवाला के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाले पीड़िता को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराने की बात भी कही है। प्रशांत बरवाला के खिलाफ दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में पीड़िता ने 6 जून को बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उससे धमकियां मिलने लगी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है। आपको यहां पर बता दें कि पीड़िता ने अपनी याचिका में सुरक्षा और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। महिला का आरोप है कि प्रशांत बरवाला ने उसे गर्भपात कराने के लिए पहले प्रलोभन दिया और बाद में धमकियां दी। वहीं बिहार में रोजाना 1000 से भी अधिक नए मरीजों के चलते हड़कंप मचा है। इसके कारण राज्य सरकार ने बिहार में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। अब राज्य में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल और ब्लॉक मुख्यालयों में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान रेलवे और विमान सेवा जारी रहेगी। वहीं शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें, पटना में 10 से 16 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए जेडीयू बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता वर्चुअल रैली के जरिए भीड़ जुटा रहे हैं, जिससे लोग संक्रमित हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी दफ्तर में 75 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अस्पताल में जो है लाशें पड़ी रहती हैं, लेकिन कोई इलाज करने वाला, डेड बॉडी ले जाने वाला, हटाने वाला तक नहीं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर उप मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच गया। पूरा सचिवालय, कई मंत्री, कई विधायक, पार्टी ऑफिस, बीजेपी की स्थिति तो ये हो गई कि 100 सैंपल लिया गया, जिसमें कि 75 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-320.
ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने भारत की ओर से प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने की इसकी वजह बताया है। ईरान ने ऐलान किया है कि वह अब अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत के लिए ईरान का ये फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन की एक महाडील होने वाली है। माना जा रहा है कि इस डील के चलते ही ईरान ने चाबहार परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। हम आपको यहां पर बता दें कि चाबहार शहर ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। ये एक मुक्त बंदरगाह है और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। ये ईरान का सबसे दक्षिणी शहर है। 2014 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये बंदरगाह ईरान और भारत के लिए रणनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री सड़क मार्ग से अफगानिस्तान पहुंचने का मार्ग खुल जाएगा और इस स्थान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की ज़रूरत नहीं होगी। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरान सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। भारत की सरकारी कंपनी इरकॉन इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के असली अयोध्या नेपाल में होने और भारत में फर्जी अयोध्या बनाए जाने के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाली विदेश मंत्री ने इस पर कहा है कि ये जो बयान बोला गया है केपी शर्मा ओली की तरफ से ये गलत बयान है। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है। वहीं पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बुलडोजर चलने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत से यह संभव हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अदालत में मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 121 परिवार बेघर हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि इन लोगों के पास 1980 से पहले के कागजात मौजूद थे। जिस तरीके से ये डिमोलेशन किया गया गरीब परिवारों पर, एक सरकारी गेजेट के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक किसी तरह की न सीलिंग हो सकती है न डिमोलेशन हो सकता है, फिर ये कैसे किया गया? विपक्ष की आवाज़ क्या कमज़ोर पड़ गई दिल्ली में? बिल्कुल नहीं सर, सवाल यही है जिस एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तोड़फोड़ सीलिंग को लेकर के रोक है। जिस तरह से सरकारों ने आँखें बंद कर ली, सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? सरकार पे जब इतना बड़ा व्यवस्था था, कानून को आधार बना करके रोका जा सकता था, कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जा सकते थे कि ये लोग आज से नहीं रह रहे हैं, सन 80 से पहले लोग रह रहे हैं और 80 तक के डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, राशन कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, बहुत बच्चों के जन्म पत्री भी वहाँ की है। सो फिर ऐसी स्थिति में कैसे इनके मकान तोड़ दिए? सवाल ये है कि उनके मकानों को तोड़ा क्यों गया? कोर्ट ने क्या कहकर आदेश दिया कि मकानों को तोड़ दिया जाए, क्यों तोड़ा गया? देखिए, जरूर गरीब लोग हैं, कुछ चूक हो सकता है, कुछ पैरवी इलाज नहीं कर पाए, लेकिन मैं बार बार ये सवाल सरकारों से पूछता हूँ। जब इतना बड़ा डिसीजन होता है, सरकार के बुलडोजर ऑफिस से निकलते हैं, एमसीडी से निकलते हैं, तो 50 बार सोचना पड़ता है। मैं भी निगम पार्षद रहा हूँ, तो कमिश्नर या मेयर ने जरूर ऊपर के अपने नेताओं से भी चर्चा की होगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से भी बात की होगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी बात की होगी। जब 121 लोगों के मकान टूटने की बात आए, एक एक मकान टूटता है तो उसमें हड़कंप मच जाता है, भूकंप आ जाते हैं। यहाँ तो 121 लोगों के मकान टूट गए, तो क्या सरकार की मंशा, क्या सरकार की रजामंदी थी? कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सपोज मांगा, मैंने पढ़ा नहीं है, तो क्या उसमें कहा नहीं जा सकता था कि हम समीक्षा कर, आज लोगों को कहा जा रहा है कि हम समीक्षा करेंगे और आपको हर जाना देंगे? क्या कोर्ट के सामने अब तक जो पार्टियां कहती थी कि जहां झुकी वही मकान, क्या वो सरकारें अब मदद नहीं दे सकती थी? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब 121 परिवार बेघर हो गए, अब कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस क्या मांग कर रही है, कांग्रेस की डिमांड क्या है अब इस पर? तमाम लोग इनकी आवाज़ बन के हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको अवगत कराएंगे और हवाला देंगे कानून का कि इसमें व्यवस्थाएं, तो इनको इनका हक दीजिए। दूसरा, जो इनका मकान टूटा है उसका मुआवजा दीजिए, इनके बच्चों का जो आशियाना छिन गया है आज उनके शिक्षा की व्यवस्था करके दीजिए। इस तरीके से कांग्रेस अब ये मांग करने जा रही है कि जिनके मकान टूटे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, इसके लिए दिल्ली कांग्रेस एक कमेटी गठित करेगी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर इस पूरे प्रकरण पर इंसाफ की मांग करेगा। कैमरामैन श्याम सुंदर के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला सुराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।